जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जहां दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। फारूक अब्दुल्ला ने भी मतदान किया है। जनता से मतदान करने की अपील उनकी ओर से की गई। गठबंधन की जीत की उम्मीद भी उनकी ओर से जताई गई है। तो इस बार जैसे कि आपने देखा कि गठजोड़ की जो है साख देखने को मिल रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच जो है दूसरे चरण का मतदान जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है और जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई है। तो देखिए तमाम दिग्गजों की ओर से जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील लोगों से की जा रही है। और इस बार देखिए उमर अब्दुल्ला की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। वो दो सीटों से जो है चुनावी मैदान में है, गांदरबल और बड़गाम से वो चुनावी मैदान में है, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहां पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी।